मेरे प्रियो, प्रभु के साथ चलने वाले आप धन्य पुरुष है, आप धन्य स्त्री है। कितना बड़ा खुशी की बात है ना, मैं यीशु के साथ चलता हूँ। आप ऐसे बोल के देखिएगा, मैं यीशु के साथ चलता हूँ, चलती हूँ, मन में बहुत आनंद आएगा। अपने दोस्त में, अपने घर वालों को सबसे ये बातें कहिएगा, मैं यीशु के साथ चलता हूँ, मुझे हाथ पकड़ के चलाते हैं। सबसे बोलिएगा, क्या कोई मनुष्य परमेश्वर के साथ चल सकता है? ये संभव है। मनुष्य के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं। इस अनुभव को सबसे आप बांटिएगा। क्यों दुख के साथ रहते हैं? परमेश्वर के साथ चलने वाला आनंदित होना चाहिए। आज कुछ समस्या आ गया है, अचानक कुछ मुसीबत आ गया घर के अंदर, बिजनेस में कुछ मुसीबतें जो बाहर बताने के लायक नहीं है वो मुझे आ गया है, दुख में है। इस दुनिया में रहने समय कभी खुशी कभी गम में ही होके जाना पड़ता है। जैसे दिन और रात आते रहता है, इस प्रकार समस्याएं आते रहेगा, बदलते जाएगा, बस इतना ही है। यूहन्ना 16:20 में प्रभु यहोवा यूं कहता है, तेरा शोक जो है खुशी में बदल जाएगा, मेरा बेटा मेरा बेटी तेरा शोक सुख में बदल जाएगा। आपका दुख जो है तुरंत बदल जाएगा, आपका शोक आनंद के रूप में बदलेगा। किस प्रकार बदलेगा? गम खुशी के रूप में बदल जाएगा। किस बात के चलते तुम दुखित है, उसी बात के चलते वो तुम्हारा आनंद का कारण बदल जाएगा। इस प्रकार प्रभु आपसे कहता है, हारना विजय में बदलेगा, नष्ट लाभ में बदल जाएगा, शोक खुशी में बदल जाएगा, श्राप आशीष में बदल जाएगा। आपका जीवन में किस बात से आप दबे हुए हैं, उस कार्य में परमेश्वर अद्भुत काम करके आपके शोक को आनंद के रूप में बदल देंगे। आपके बच्चों के बारे में, आपका पति के बारे में, आपका परिवार के बारे में, आपका बिजनेस के बारे में, जो कुछ आपको दबाता हो सारी बातों से उसमें अद्भुत काम करके खुशी के रूप में बदल जाएगा। कितना अद्भुत प्रभु है ना। आपका कहना है, मेरा शोक खुशी के रूप में बदल जाएगा। कैसे? मेरे शोक को बदलने के लिए यीशु ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान के रूप में दिया है। यशाया 53:4 क्या कहता है? यीशु ने हमारे सारे अपराधों को अपने कांधे पर उठा लिया है। आपके दुखों को यीशु ने उठा लिया है, इसीलिए परमेश्वर के पास अपने बोझों को उतार दीजिए, खुशी में बदल जाएगा। हमारे दुखों को बदलने के लिए हमारे पिता यीशु जो क्रूस पर हमारे दुखों को उसने उठा लिया, इसलिए आपको हिम्मत से कहना है, यीशु ने मेरे सारे बोझों को उठा लिया है। हिम्मत से बोली, प्रभु आज शोकों को बदल देंगे, अभी अद्भुत काम होंगे। बोलेंगे, पिता मेरे दुखों को क्रूस पर तूने उठा लिया प्रभु, मुझे आनंद देने के लिए मेरे बोझों को क्रूस पर तू उठा लिया प्रभु जी, मेरे शोकों को खुशी के रूप में आप बदल देंगे, मैं विश्वास करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ। यीशु के नाम से अद्भुत काम के लिए विश्वास करके आपको स्तुति करता हूँ पिता। आमीन, आमीन।